it's me Ashifa Khan, your beauty expert is here as I am a YouTuber and a beauty influencer. So let's begin the video. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY. Right guys, समर आ चुकी है और लॉकडाउन भी है. Right guys, तो आप बहुत बोर हो रहे हो घर बैठे, बट स्किन का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट गाइस, तो हम लोग करेंगे आज घर बैठे इस लॉकडाउन पे स्किन केयर, वो भी घर से बनाई हुई सामान के साथ. या राइट गाइस, तो ये DIY बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो कि इजीली अवेलेबल होगा आपके घर में. लॉकडाउन की वजह से गाइज आप स्किन केयर को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें. गाइज चलो किचन पे चलते हैं और अपना ब्यूटी सेक्शन में चलते हैं. ये दोनों का आज बैलेंस करने वाली हूँ DIY बनाने के लिए. तो किचन से मिलेगा हमें एक इंग्रेडिएंट और मिलेगा हमारी ब्यूटी सेक्शन से एक इंग्रेडिएंट्स. तो चलो ले आते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स. सो गाइस, सबसे पहले मैंने किचन से उठाया है शुगर, यहाँ आप देख सकते हो. तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड यहाँ पर मैं लूंगी एलोवेरा जेल. तो समझे आप मैं क्या DIY बनाने वाली हूँ. मैं आज बनाने वाली हूँ DIY स्क्रबर, जो कि आप इजीली लगा सकते हो. अगर आप टीनेजर भी हो तब भी लगा सकते हो गाइस. ये सब एज वाले को सूट करेगा और मेल फीमेल सब इसे यूज कर सकते है गाइस. सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, सब इसे यूज कर सकते. 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया था शुगर. गाइस मैंने जरा सा एलोवेरा जेल लिया है, आप अपने अंदाज से इसे बना सकते हो गाइस. अब इसे अच्छे से हम लोग करेंगे मिक्स 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 में. सकते हो गाइस मैंने बहुत ही कम लिया है अमाउंट पे, बिकॉज गाइस DIY बना रहे हो गाइस, तो आप उसे फ्रेश बनाओ और फ्रेश ही यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा. और शुगर है गाइस, तो शुगर को अगर आप बना के DIY रखते हो अपने फ्रिज में तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और आपका DIY असर नहीं करेगा. तो गाइज यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको फेस में कि स्क्रब कैसे करते हैं. सबसे पहला मेथड होता है आप अपने इस तरह से चिक को स्क्रब करें सर्कुलर मोशन में, देन चिन एंड अपर लिप पे जाए, देन नोज. नोज एरिया पे ज्यादा फोकस करना होता है हमें. अब फोरहेड, देन इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक आपको करना होगा. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है गाइज, तो कोई भी साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देगा गाइज, इफेक्ट जरूर देगा. तो इस तरह लॉकडाउन पे आप ये स्क्रब को बना सकते हो. तो 2 मिनट तक इसी तरह मसाज करें और अब फेस को मैं वॉश करके आती हूँ. टडा, मैंने वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना फ्रेश लग रहा है, एकदम डर्ट पॉल्यूशन निकल चुका है. अब करना है टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लेना है गाइज. मैंने फेस को अच्छे से पोंछ लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लोटस हर्बल का टोनर. ये भी इजीली अवेलेबल है सिमसिम ऐप्स में. अगर आपके पास नहीं है गाइस और लॉकडाउन पे आप खरीद भी नहीं सकते हो तो कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हो. जस्ट शेक किया मैंने और पूरे अच्छे से स्प्रे कर दिया. स्मेल्स रियली गुड. और इसे इस तरह से डैप डैप करके पूरे एब्जॉर्ब करा लेना है. लास्ट स्टेप इज एलोवेरा जेल. आप कोई भी जेल लगा सकते हो गाइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जेल लिया है, अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ और इसे रब करके पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी गाइस. मॉइस्चराइजर यूज इसलिए नहीं किया गाइस क्योंकि समर है, समर में चिपचिप किसी को भी पसंद नहीं होता है. एंड यू आर डन गाइस. यही था मेरा DIY स्क्रबर, जो आप इजिली घर पर बना सकते हैं और इजिली प्रोडक्ट अवेलेबल होगा आपके घर पे भी. राइट गाइस, बट एलोवेरा जेल अगर आपके पास नहीं है गाइस, तो एलोवेरा जेल ऐसा जेल है गाइस कि हर ग्रोसरी शॉप में भी मिलता है. तो लॉकडाउन में ग्रोसरी शॉप ओपन है, आपको तो पता ही होगा गाइस. ये वीडियो यहीं पर एंड होता है. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज.